चले तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, सबसे पहले तो देखिए, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए, गैर कानूनी बताते हुए, उस मामले में सुनवाई होनी है, अपडेट के साथ सबसे पहले जानकारी चाहूंगी आपसे। जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली है, जो उनकी गिरफ्तारी है उसे अवैध बताते हुए जो है याचिका डाली गई है, जिसमें आज सुबह ही 10:30 बजे, महज कुछ ही देर का समय रह गया है जब ये सुनवाई जो है शुरू होगी, और इस कार्रवाई सुनवाई के बाद देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है राहत मिलती है या नहीं मिलती है। एक तरफ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में जब ये याचिका डाली थी तो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई थी जिसमें हाईकोर्ट का ये साफ कहना था कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी उसमें राहत नहीं मिल सकती है, तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना यही होगा कि आखिरकार किस तरीके की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह की तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी राहत देता है या फिर मुश्किल अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो यूं ही बरकरार रहती है।